दोस्तों नमस्कार, मैं पौड़ी शहर के गढ़ोली इलाके में हूं अभी। और जो पुराने लोग होंगे उन्हें ये पता होगा कि गढ़ोली एक टी स्टेट हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में। 1840 के आसपास ये इस्टेब्लिश हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे टी स्टेट बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी बसावट हुई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जूनियर हाई स्कूल यहाँ पे स्थापित है। इसके अलावा आप मैसमोर जो इंटर कॉलेज है जो 1902 में बना था वो भी यहीं पास में नीचे है। तो ये जो जगह है ये पौड़ी से जो श्रीनगर रोड जाती है और पौड़ी से जो कोटद्वार रोड जाती है और बुआखाल जो पॉइंट पड़ता है उसके बीच का ये एरिया है। ये एरिया पिछले मैं मानूंगा करीब 2.5 दशक से यहाँ पर कुछ विवाद इस तरह के पैदा हो गए हैं कि इस इलाके का पूरा विकास अवरुद्ध हुआ है। और इसमें कुछ यहीं के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एनजीटी को अप्रोच किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गए और कुछ ऐसे बातें उन्होंने उठा दी जिससे ये कानूनी पेच में फंस गया। इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार है उसने भी इसके कुछ एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाइड किया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये सड़क है। ये सड़क बताया जा रहा है कि ये 1996 के आसपास यहाँ पे बन गई थी, जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं, और ये 26 साल बाद भी ये सड़क पक्की नहीं हो पाई है। इसका कारण यही है कि ये जो विवाद यहाँ पे पैदा हो गए हैं उसकी वजह से फॉरेस्ट अधिनियम का कहेंगे कि हवाला देके या उसकी आड़ लेके कुछ लोग, या मैं कहूँगा कि सरकारों की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी एक इस तरह का नकारात्मक रवैया है कि वो आगे नहीं आते हैं। केवल जब चुनाव होते हैं तब यहाँ पर वोट लिया जाता है और उसके बाद ये नहीं सोचा जाता कि इस इलाके में जो कि नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 11 है यहाँ पर इन लोगों की भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सफाई व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती है। लाइट के नाम पे कुछ आप देख सकते हैं कि एक दो यहाँ पे जो लाइट्स होती हैं सोडियम लाइट्स होती हैं वो जरूर लगी हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं होती। और यहाँ तक एक चीज और सुनने में आई है जो कि आप लोग अभी मैं बात करूंगा वो बताएंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ यहाँ पे नहीं मिलता है। अब ये आप लोग ही बताएंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे होता है। तो मैं एक एक करके सभी लोगों के पास चला जाता हूँ, उनसे खुद ही जान लेता हूँ कि किस तरह की परेशानियों में वो यहाँ पे जी रहे हैं। भाई साहब, मैं तो बंटू भाई के नाम से ही आपको शुरू से जानता हूँ। आज ही मुझे पता चला कि आपका पूरा नाम विनोद ऑस्कर चौफिन है। तो बंटू भाई जी, पहले तो ये बताएं कि ये थोड़ा सा जो मैंने इतिहास बताया क्या ये सही है, इसमें कुछ सुधार करना चाह रहे हैं आप? नहीं, इसमें ठीक है सारा, आपने सही बताया। और जहाँ तक ये सड़क का सवाल है तो हमने पहले भी यहाँ पीडब्ल्यूडी से अप्रोच करके बातचीत करके कहा था कि जो 750 मीटर 6 किलोमीटर का ये बाईपास है, 750 मीटर जो एनजीटी के अंदर है जिसमें विवाद है उसे छोड़ दिया जाए और बाकी को जो एनजीटी में नहीं है उसे बनाया जाए। लेकिन सरकार और क्या पीडब्ल्यूडी और हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तब से उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। विवादित इलाके में कार्रवाई न करी जाए, जो इलाका बिना विवाद के है करीबन आपका 4.5 किलोमीटर रोड जो है उसको आप डामरीकरण कराने की हमारी सरकार से पिछले 26 सालों से हमारी यही हुआ है और आज तक ये जब एनजीटी में नहीं भी था उस समय भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही कहना है कि इसे तुरंत जनता की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इस सड़क को तो पक्का कर दिया जाए जो जिसमें कोई विवाद नहीं है, जिसमें कोई विवाद नहीं है। आपका फोन भी बज रहा है, इसे थोड़ा सा आप बंद कर देंगे, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है। भाई साहब, आप इनके बड़े भाई हैं और बड़ी खुशी हुई आज आपसे मिलके। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आपके छोटे भाई थे विनय चौफिन जी, उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है मैसमोर इंटर कॉलेज में, तो आपसे मिलके बेहद खुशी हुई मुझे। धन्यवाद सर। और अगर मेरी तरफ से भी कोई योगदान हो पाएगा इस समस्या के समाधान में तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है साहब कि नीचे सड़क से लेके और ये ऊपर बाईपास सैंक्शन हुआ है 96। अब 96 से अब आज हम एनजीटी करते हैं, पर 96 से एनजीटी का तो गठन 2010 में हुआ है, तब से लेके और अभी तक ये सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। सड़क तो बन गई है, सड़क तो बनी हुई है, अब इसका डामरीकरण नहीं हुआ। आवाजाही में दिक्कत होती है, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है उसी के आगे कॉन्वेंट है, तो यहाँ से बच्चों को लाने ले जाने में
बहुत दिक्कत होती है, कच्ची सड़क है, आप भी कच्ची सड़क से यहाँ तक आए हैं, है ना, गाड़ियाँ टूटती हैं। अब तो ठीक है, प्रभु की कृपा है कि लोगों के पास साधन है, पर तब भी एक दिन पूरा लग जाता है बच्चों को स्कूल ले जाने में और लाने में। सड़क ठीक हो तो आवागमन ठीक हो, बाकी नहीं तो बच्चे पैदल जाते हैं, पार्क का खतरा है और माँ बाप भेजते भी नहीं। एक तो ये, दूसरा हमारा यही कहना है जो भाई ने कहा कि साहब विवाद क्या है, पहले आप इस बात को तो देखिए, जब गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, नंबर चिन्हित कर दिए और उन नंबरों के बाहर जो भूमि है उसमें क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है ना। हमारी तो मांग यही है कि आप इसको नीचे से लेके और यहाँ से स्कूल तक जी, जो कि किसी नोटिफाइड एरिया में जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया उसमें नहीं आती है ना, जिसको कि पीडब्ल्यूडी ने लीगली एक्वायर किया है, बाकायदा खरीदा है, मुआवजा दिया है, तो इस सड़क को डामरीकरण कर दें, इसका पक्का कर दें, इसको इस पर क्यों वो कर रहे हैं। आज भी इस पे ट्रैफिक चलता है, आपका पौड़ी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको काफी वो करता है, कई ट्रक इधर से आज भी गुजरते हैं, पर अवैध है, किसी दिन भी उसको रोक लेते हैं, कुछ हो सकता है। अब हम तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि सरकार थोड़ा सा इसमें प्रतिक्रिया दिखाए अपनी, एक जिसको कहते हैं विल, पॉलिटिकल विल कहिए, ये संवेदनशीलता, एडमिनिस्ट्रेटिव विल कहिए, कुछ भी कहिए, कि यहाँ पर इस इलाके को बिल्कुल आपने छोड़ दिया है, है ना। नगर पालिका का वार्ड होते हुए, पहले तो नगर पालिका का वार्ड होते हुए आपने उसमें रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया सरकार ने, नगर पालिका ने तब भी उसको होने का, नगर पालिका भी एनजीटी में पार्टी थी, कोई बात नहीं, सरकार को चाहिए बनाए, जो करना है वो करे। केस हाई कोर्ट में लंबित है, साल भर से ज्यादा हो गया फाइनल जजमेंट के लिए, सरकार के तरफ से कोई पैर भी नहीं है, कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं है, तो ये सारी जो उदासीनता है ना इससे तृप्त है। सरकारी योजनाओं की बात आप करते हैं तो हमारे को मालूम ही नहीं चलता है, कोई आता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होती है, सब ये होता है कि साहब ये तो ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभाओं के लिए। अब हमारे को, हम तो यहाँ पर हैं, आपने इसको नगर पालिका में वो कर दिया, तो ये हमारा दोष है कि हमको सरकार से कुछ स्कीम्स का लाभ नहीं मिले। ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलता है, मिलता है, पर बचेगा तो मिलेगा, है ना, मतलब लास्ट में नंबर आएगा, शुरुआत में कभी नहीं आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा ना। जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो ग्राम सभाओं के लिए और उनके लिए हैं, तो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका की उदासीनता तो ये है, ठीक है, वो हमसे हाउस टैक्स अगर नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको कभी पूछते भी नहीं। नगर पालिका सड़क बना रही है इधर जहाँ जो बस्तियाँ हैं, पर वो सार्वजनिक सड़क नहीं बना रही है ना, बिल्कुल। ये इस सड़क का जो मुद्दा है उससे मैं तो प्रभावित नहीं होता हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर बाकी की जनता जिसको रोज आना जाना है, अपने रोजगार के लिए जाना है, बच्चों को स्कूल ले जाना है, उनकी जो समस्या है उस पर कोई ध्यान दे, इसका और कुछ नहीं तो डामरीकरण कर दे। मेरा भी अनुरोध है कि जो लीगल मामले होते हैं, जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, चाहे हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है या लोकल कोर्ट में, उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पोर्शन कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं हो रखा है फॉरेस्ट के लिए, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, कम से कम वहां पे सड़क को पक्का तो किया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये सड़क पक्की हो जाती है और ये बाईपास यहां से निकल जाता है तो शहर के अंदर जो जाम की स्थितियां पैदा होती है हैवी व्हीकल के आने की वजह से, वो भी यहां से निकल सकती है। स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, उनके वाहन यहां पे आराम से आएंगे, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो 108 भी आसानी से पहुंच जाएगी। अभी मैं खुद यहां पे पहुंचा तो हालांकि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, SUV है, लेकिन वो भी एक दो बार नीचे टकरा गई। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक पुराने भाई साहब भी है, कभी पौड़ी श्रीनगर हम कभी बाइक में साथ जाते थे, जगमोहन नेगी जी,
आपका भी यहाँ व्यवसाय है, आप भी कुछ काम कर रहे हैं बता रहे थे आप, क्या क्या दिक्कतें हैं भाई साहब? दिक्कत सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ पे हम जो फंस गए, ये ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका के बीच में फंस गए, ना किसी ऑफिस में जाओ अगर किसी योजना के बारे में। मैं चाहूंगा कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो थोड़ा आगे आ जाए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। हमारे वो है साहब वार्ड मेंबर है ना, किसी योजना के बारे में मिली कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये योजना तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, आप तो नगर पालिका में रहते हैं, नगर पालिका में हमें मिल क्या रहा है? भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि आपने ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में ले रखा है, लेकिन हमको कम से कम कुछ सुविधा तो दे, उन योजनाओं का फायदा तो दे हमें। अब हॉर्टिकल्चर में जाओ ये सर पेड़ है नहीं, अगर पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में भेजेंगे, अगर बचेंगे तो आपको देंगे। वैसे उसमें जाओ क्या कहते हैं कृषि विभाग में, वो कहते हैं कि ये तो ये योजना तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये आप तो नगर पालिका में रहते हैं तो हम तो खाली आप रहेंगे। वैसे भी फिर मुझे एक बात और कहनी है, मेरी माँ 102 साल की है, एक तरफ तो शासन प्रशासन ये कहता है कि हम सीनियर सिटीजन को वो मतलब वो करते हैं व्यवस्था देते हैं बना के देते हैं, दूसरा तो मेरी माँ 102 साल की है और अब उन्होंने मेरे माँ का नाम राशन कार्ड से भी काट दिया क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनके उंगलियों के छाप आए नहीं और इस वजह से आधार कार्ड नहीं बन पाया, ना तो उनको विधवा पेंशन मिलती है ना वृद्धा पेंशन मिलती है। तो ये भी मेरा एक कहना है सरकार से कि इस ओर भी ध्यान दें कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं गाँव में, तो मतलब समस्याएं बेहिसाब हैं। फिर एक बात और करनी है, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो इतने हम अपने बच्चों की तरह उन पेड़ों को पालते हैं, तो हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम एक पेड़, चाहे हमारे घर में किसी की डेथ भी हो रही है तो उसको जलाने के लिए हम एक पेड़ काटने की वो नहीं है हमें अनुमति। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मतलब कुछ वो तो करे इसमें, तभी तो कोई भी लोग पेड़ लगाने के लिए उत्साहित होंगे। अब अगर आप ये बोलते हैं कि पेड़ लगा दिए, जिसके खेत में ज्यादा पेड़ होंगे वो जमीन सरकारी मानी जाएगी या जंगलात की मानी जाएगी, तो आदमी कोई भी इंसान पेड़ क्यों लगाएगा? तो एक सरकार से ये भी हो मेरी कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। और बाकी सब बिल्कुल, पेड़ लगाना कहीं अभिशाप ना बन जाए ये भी बड़ी बात है कि अगर जंगल जैसा हो गया, आपने पेड़ लगाए तो भाई आपने तो पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगाए, कल वो मुसीबत ना बन जाए, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मेरे साथ यहाँ पे अन्य लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ, जो भी वो कहना चाहेंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं सबकी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। क्या दिक्कतें हैं आपकी जी? रोड की सबसे ज्यादा दिक्कत है, जैसे कोई रात को बीमार हो गया गाड़ी बुलाओ तो गाड़ी वाला आता नहीं है कि रोड ठीक नहीं है, और बच्चों को स्कूल ले जाने में भी बहुत डर लगती है, जंगल का रास्ता है, रोड होती तो कुछ गाड़ी की व्यवस्था होती, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे रोड की। रोड चाहिए, सबसे रोड चाहिए, पक्की रोड चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है, क्या काम? राजीव सिंह। मेरा नाम राजीव सिंह है और मैं अपने सारे बड़े बुजुर्गों से सहमत हूँ, उन्होंने जो भी बोला सब सही बोला, और हमको बहुत परेशानी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमको रोड का तो बहुत प्रॉब्लम है, काफी समय से हम यहाँ पे बहुत परेशान भी हैं और मतलब असहाय हैं, और हमारा गांव जो है अब इस क्षेत्र में सबसे पीछे है क्योंकि सब जगह रोड है, ये रोड कम से कम 1900 मतलब 96 के आसपास कट चुकी थी, और तब से अभी तक इसमें कोई मरम्मत नहीं हो रही है, इसमें खड्डे पड़े हुए हैं और नदी नाले टाइप का बना हुआ है, जब गाड़ियां लाते हैं तो हम बहुत मुश्किल से लाते हैं, हमारे बहु बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको हमको हॉस्पिटल ले जाने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो मेरे सरकार से ये अनुरोध है कि इस पे भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम भी सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमको बड़ी परेशानी होती है, जंगल का रास्ता है, रास्ते पे होंडे नहीं है क्योंकि अंधेरा होता है, हम सुबह जाते हैं 5:30 बजे करीब, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है अंधेरे में, गुलदार का इतना भय बना हुआ है कि कहीं से भी हम पे हमला कर सकता है, तो मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि रोड पे भी होंडे भी लगने चाहिए और रोड भी बननी चाहिए, तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और अब मेरे बीच यहाँ पे वार्ड मेंबर जो है नवनिर्वाचित वो भी आ गए हैं, पहले तो आपको बधाई, अभी आप कुछ समय पहले ही निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से जो पहले थे उनकी डेथ हो गई थी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और जो आप यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं
ये समस्या है तो बेहिसाब है जी जी। तो नगर पालिका के स्तर पे क्या प्रयास है आप? ये रोड के बारे में ज्यादा प्रयास है हमारा, ये डामरीकरण जो बाईपास कटा हुआ हमारा, इससे इससे लोग सभी गाँव के बहुत परेशान है, गाड़ी का आने जाने बहुत परेशानी होती है। तो सरकार से एक ही विनती करूँगा कि हमारे इस रोड के लिए डामरीकरण का, जैसे नगर पालिका के स्तर से यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है और उसका प्रयास कर, लाइट भी आपकी मैं कम देख रहा हूँ क्योंकि गुलदार की भी दिक्कत है, गुलदार के भी आतंक है, तो क्या आप रख रहे हैं वहाँ पे अपने बोर्ड में रखते हैं इस बात को? इस बात को मैं रख रहा हूँ, लाइट के बारे में, रास्तों के बारे में, ठीक है, इसके बारे में रख। ये जो PWD के पास ये सड़क है निर्माण खंड के पास है, तो उनके एक्सीजन से मिले थे आप, क्या कहा उन्होंने? अब मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हुआ तो ये प्रस्ताव बना रखा मेरा, इसके बारे में उनसे मिलेगा, ठीक है सर। और जो विधायक जी हैं जैसे उनसे भी बोलते हैं आप? जी 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 बोलता हूँ, ये उनके लिए प्रस्ताव लिखा है, ये उनसे मिले, गाँव के वालों के सबसे दस्तखत करवा रहा हूँ मैं, प्रयास करूँगा पूरा, ठीक है, धन्यवाद। कुछ और कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा उत्तराखंड का रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 72-73% इन सरकारी आंकड़ों में है, तो सरकार को इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो बचे कुचे इलाके को भी वो रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की उसमें कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जो फिर आप विकास कार्य तो यहाँ पे विकास कार्य हो नहीं रहा है, पलायन आप रोक नहीं सकते हैं, पलायन 20% में 17-18% में क्या पलायन खेती करेगा आदमी, और क्या जो हमारी फ्री लैंड है वो 18-19% बचती है क्योंकि कुछ बुग्याल हैं, कुछ नदी नाले में कट गई है। और तो इस बारे में आपसे आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो बचे कुचे इलाकों को जो खेती वाला इलाका है उसको भी आप इधर फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट कानून में कुछ ढिलाई जब तक नहीं होगी तो यहाँ पे जीना और कोई भी कार्य करना बहुत दुर्लभ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, वन मंत्री महोदय को, जिनको भी जो भी इसके वो हैं, कि थोड़ा सा इसमें वो ध्यान रखें कि 72-73% आपके पास ऑलरेडी फॉरेस्ट है रिजर्व, उसके बाद कितना फॉरेस्ट और उसके बाद या तो आप इसको पूरा फॉरेस्ट कर दीजिए 100%, ठीक है ना। तो सर आपसे मतलब यही है हमारी। आपने देखा जिस इलाके का एक स्वर्णिम इतिहास है, और अंग्रेजों के जमाने में मैं कहूंगा कि ये तो ब्रिटेन तक इसकी चर्चा थी, आज ये दुर्भाग्य का आलम है कि ना तो प्रदेश सरकार का इस ओर ध्यान है कि यहाँ पर जो बसावट है उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी सड़क पानी बिजली सारी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, सफाई व्यवस्था चाहिए, पक्की सड़कें चाहिए। दूर दराज में ग्रामीण इलाकों में तो बात समझ में आती है कि वहां तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन जब गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में और जो नगर पालिका का जो वार्ड है 11 वहां पर भी जब विकास योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, लोगों को राहत नहीं मिलेगी, उनकी छोटी छोटी परेशानियों का भी जब समाधान नहीं होगा, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं एक कहना चाहूंगा, वन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे आपने सुना भी होगा कि 72-75% जब आपके पास फॉरेस्ट एरिया है तो 20-25% जो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, अगर वहां भी हमारे लोग नहीं रहेंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे? क्या वो उत्तराखंड को छोड़ के चले जाएं? क्या वो पहाड़ के गढ़वाल के इलाके या कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़ के प्लेन को पलायन कर दें? वो करें तो क्या करें? और जो सड़क मंत्री हैं, PWD के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी से भी अनुरोध है कि आप पर्यटन विकास की बात करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि सड़कों के बिना पर्यटन नहीं हो सकता, और इतनी छोटी सी सड़क 5-6 किलोमीटर की सड़क भी जब पौड़ी मुख्यालय में नहीं बन पाएगी तो एक दिन ये सारे लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इसका सभी लोग संज्ञान लें, सरकार भी संज्ञान लें, मंत्री भी संज्ञान लें, स्थानीय जो विधायक हैं पौड़ी जी भी वो भी संज्ञान लें, जिससे कि ये जटिल समस्या जो बनी हुई है कम से कम जो नोटिफाइड नहीं है, फॉरेस्ट नोटिफाइड नहीं है, वहां तो कम से कम पक्की सड़क का तो कम से कम निर्माण हो जाए। जागो उत्तराखंड के लिए गढ़ोली पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।